नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वो याचिका भी शामिल है जिसमें नीट से जुड़े सभी केस को सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट करने की याचिका दी गई थी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों और कोचिंग संस्थानों की तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि केंद्र सरकार और एनटीए कोर्ट में हलफनामा दायर कर पहले ही कह चुकी है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में एनटीए से अलग थ्योरी पेश की। सीबीआई ने बताया कि पेपर हजारीबाग से चोरी हुए थे। अब कोर्ट सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय करेगा कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी कि नहीं।